ग्रीटिंग्स टू ऑल इन द नेम ऑफ द जीसस व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट किशोर शर्मा और मैं लेकर आई हूं जीसस कैन चेंज द लाइफ प्रोग्राम। आज हम मिलेंगे नए गेस्ट को, देखते हैं इनकी जिंदगी में खुदावन ने कैसे जलाली काम किए हैं और हम जानेंगे कि खुदावन कैसे रूहों को बदल देता है, कैसे खानदानों को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, हमारे साथ हैं चौधरी शिरवी काकम। अब इनके साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जानेंगे कि इनकी जिंदगी में खुदावन ने कैसे जलाली काम किया। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपकी और आपकी टीम का कि आपने हमें बुलाया। खुदावंद आपको बरकत दे, दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। सबसे पहले तो मैं आपका ये शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और मेरा ईमान है कि हम जो गुफ्तगू करेंगे इसके वसीला से व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा बरकत पाने वाले हैं और हम भी बहुत बरकत पाने वाले हैं। इससे पहले कि व्यूअर्स हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम सबसे पहले दुआ करेंगे ताकि इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो दुआ से करेंगे। जब हम खुदा को आगे रखते हैं तो खुदा हमें आगे रखता है। प्रेज़र, हम ब्रदर्स के साथ मिलकर अब दुआ करेंगे। जी ब्रदर। कदूस कदूस खुदा खुदा आसमान पर जमीन तेरे पाँव की चौकी है। ए खुदाम, तू कहता जहाँ भी तेरे नाम की तू जमात है मैं वहाँ मौजूद हूँ। ए खुदाम, तेरा शुक्र ते तरीफ तू जानते हैं मौजूद है इस मौके तो चौक चुका है। खुदाम, तेरा शुक्र ते तरीफ इस मौके से घड़ी के लिए जो तूने मैं बख्शा। खुदाम, इस चैनल के लिए दुआ करता हूँ, इस टीम के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने ये चैनल खोला। खुदाम दा खुदाम इनको भाई से बरकत देना ताकि इसी तरह तेरी कौम और मुल्क की खिदमत करते रहें। दुआ करता हूँ इस घराने के लिए, तूने कहा जिस घर में भी जाओ उसकी सलामती चाहो। खुदावंदा, इस पूरी टीम की सलामती चाहते हैं, इनको दिन रात और दिन चुगनी तरक्की देना। खुदावंदा, दुआ करता हूँ इस मौके से घड़ी के जो भी हमारे मुँह से अल्फाज निकले तेरे भाई से अमन और सलामती के निकले। खुदावंदा, ये सब कुछ मारते बैठे यीशु मसीह के कुवत वसीला से। जी तो ब्रदर, बताइए कि आप कहाँ से आए हैं हमारे व्यूअर्स को, और ये भी बताएं कि आप जो हैं अपने जो सियासत का काम शुरू किया आपने, आप सियासत में हैं, आपको कैसे कितनी देर हो गया सियासत में? हम देखते हैं कि बहुत से मसीह नौजवान जो हैं वो सियासत में नहीं आना चाहते हैं, तो आप बताइए कि आप कैसे उनको इनक्रेज करेंगे कि वो सियासत में आए? मैं तमाम जितने पाकिस्तानी मसीह हैं उनको मेरी तरफ से सलाम और बड़े दिन की खुशियां, सबको मुबारक बहुत। तो 2005 में मैंने सियासत का आगाज़ किया, खिदमत का किया, खिदमत से शुरू किया। मेरा एक छोटा सा दोस्तों से मिलकर एक ग्रुप बनाया, कलेक्टिव अमन कमेटी ग्रुप। और उसके बाद हमने सिटी चूनिया में, डिस्ट्रिक्ट सूर में अपनी खिदमत शुरू करने की, फ्लाई काम छोटे छोटे जहाँ भी किसी को हमारी ज़रूरत होती है वहाँ जाकर खिदमत करते। तो ये सब मेरी माँ बाप की दुआएं, मेरे बाप की ख्वाहिश थी, मेरे वालिद की कि आप एक ऐसे इंसान बने कि आपसे कोई नाराज़ ना हो, और अगर आप किसी की खिदमत कर सकते हैं किसी भी तरह हाल में आप उसकी खिदमत करें, किसी भी मसले में आप किसी की मदद कर सकते हैं आप करें, अगर किसी के दुख में सुख में आप कुछ किसी का साथ दे सकते हैं तो ज़रूर दें। आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और खुदावन के फजल से मैं अपने माँ बाप का दोबारा जिक्र ज़रूर करूँगा कि उनकी दुआओं से खुदा ने आज मुझे बरकतों से नवाजा है। मेरे बड़े भाई हैं वो सरवर आकर वहाँ, वो एक मुबशर हैं, छोटा भाई वो हमारा साथ देता है। तो खुदावंद ने हर तरह हमें हर किस्म की बरकत से नवाजा और अच्छी टीम दी, अच्छे दोस्त दिए, जिसकी वजह से आज जिस कसूर में खुदावंद के फजल से हमारी लोग जान पहचान और हम खिदमत करते हैं। वो लोग यानी कि आप कहना चाहते हैं कि बतेरे लोगों की आपने हेल्प किया और लोग आपको जानते हैं इस वसीला से कि आप जो है आपके अंदर मसीह का दिल है, आपके अंदर फर्मा बदारी अपने माँ बाप की। अभी तो हम देखते हैं कि लोग जो है वो अपने माँ बाप को पीछे करके अपने आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर खुदा हमारा बाप है, यकीनन खुदा जो के है हमारा बाप है, तो हम बाप को कह देते हैं बच्चे अक्सर कि बाप आपको नहीं पता, हमें पता है कैसे करना है। अजीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए ब्रदर हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैंने खिदमत का आगाज़ शुरू किया तो मैंने खुदावंद को आगे रखा और खुदावंद के साथ मैंने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की है।
जब मैंने माँ बाप की फर्मा बदारी किया तो खुदावन ने मुझे बहुत ज्यादा जो है वो ब्लेस किया है। अब तेरे लोगों की इन्होंने हेल्प की है तो लोग इन्हें जानते हैं। अगर आप भी बरकत लेना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े काम करें, आप छोटी छोटी जो है वो मदर टेरेसा की तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों की जरूरत में उनके काम आ सकते हैं। जी तो बोला हमें ये बताइए कि आखिर यूथ जो है वो क्यों नहीं आती सियासत में, वो क्यों पॉलिटिशियन को एक दलदल समझती है और उसमें घुसना नहीं चाहती। सबसे हमारी बड़ी हमारी कौम की कमजोरी, हमारे पिछले बुजुर्ग थे, हम में से एक कमी पाई जाती है हमारी बरादरी की, बसी बरादरी में, कि हमारे पास तालीम नहीं है। सबसे जो मसला है हमारे लिए, अगर बच्चा थोड़ा बहुत कोशिश करता है पढ़ने लिखने के लिए तो उनके पास वसाइल नहीं है आगे जाने के लिए, लेकिन उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि हमारी कौम में सबसे ज़्यादा बच्चे आजकल बुरे रस्तों पे चल गए, नशे पे, चर्स पी ली, पाउडर पी लिया, नून पी ली। लेकिन अभी जो हालात जा रहे हैं, लोगों में शौर पैदा हो गया है। हमारे मसीह कौम के बड़े बड़े लीडर हैं, खुदावंद ने उन्हें बरकत से नवाजा है। वो हमारी कौम का, ये आज वाले बच्चे जो अच्छे काम करते हैं वो हमारी कौम का सरमाया है, और खुदावंद के फजल से वो बच्चे जो अपनी तालीम माँ बाप के ताबे रहकर जो हासिल करेंगे वो कल अपनी कौम का सरमाया बनेंगे और अपने मुल्क के लिए भी मुल्क के लिए खिदमत करेंगे। वैसे तो जितने भी दारे हैं, अदलिया ला लें, आर्मी ला लें, हॉस्पिटल लगा लें, इंटेलिजेंस लगा लें, यानी कि कितने भी हैं, इनमें सब हमारी हमारी मसीहत के लोग जो खिदमात अंजाम देते हैं। तो अजीजों आप देखें कि मसीह जो है वो हर जगह मौजूद है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि हर एक मसीह जो है वो गलत राह पे है या हर एक मसीह जो है वो तरक्की की राह पे नहीं। आज हमारा मैसेज उन लोगों के लिए है जो मसीह तो हैं लेकिन मसीह में रहकर वो मसीहत को पहचान नहीं रहे, कि हमारा मसीह जो है, हमारा खुदा जो है वो ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ गरीबी में जिए, गरीबी में पैदा हों, गरीबी में मर जाए। नहीं, हमारा मसीह जो चाहता है वो कहता है कि आगे बढ़ो। आपने ब्रदर कलाम में भी पढ़ा होगा कि मिस्र की गुलामी में जब फरून जो था बादशाह था और मूसा जो थे वो खुदावन के फजल से वो गए थे उनके पास कि हमारी जो बनी इसराइल को मैं उसे छोड़ दूँ, तो वो क्या कहते थे उनको कि नहीं आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। लेकिन देखिए फरून जो है वो एक अबलीस का हम कासिद कह सकते हैं, एक अबलीस का मोहरा कह सकते हैं, क्योंकि देखिए खुदा जो है वो इंसानों को इस्तेमाल करता है, तो जो अबलीस है वो भी लोगों को इस्तेमाल करता है। उसने जब कहा कि आगे ना बढ़ो, लेकिन खुदा हमारा क्या कहता है, खुदा हमारा कहता है आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें इसी आयत को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। जी तो व्यूज, मुझे तो इस गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा बरकत मिल रही है, तो मेरा ईमान है कि आप लोगों ने भी इस गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हासिल की है। तो अजीज़ो अब हम ब्रदर के साथ मिलकर खुदा का कलाम जो है, जो वर्ड्स ऑफ गॉड लाइव वर्ड है, वो हम सुनेंगे। जी ब्रदर जी, मैं आपके साथ कलाम शेयर करना चाहता हूँ, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और 7 है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा के फजल से हमारा मान है कि जो हम खुदा से मांगते हैं वो हमें मिलता है, और जो हम ढूंढते हैं वो हम पाते हैं। तो मैं खुदा के फजल से जो मैंने मांगा है वो मैंने पाया, जो मैंने ढूंढा वो खुदा ने मुझे दी है। और हमारा मान है मसीहत में ऐसे मसीह कि आप खुदा से जो भी मांगते हैं आपको मिलता है। और नए साल की आने वाली खुशी में मैं चाहता हूँ कि जितने भी मसीही लोग हैं वो अपने मान से मांगेंगे तो दिया जाएगा, ढूंढेंगे तो पाएगा। तो अजीजों हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ जा रहा है, हम आपसे चाहेंगे इजाजत। अब हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।